साल 2023 में फ्रीलांसर कैसे बने और कम से कम 50,000 रुपए हर महीना और वो भी फर्स्ट मंथ से अर्न करना कैसे स्टार्ट करें, इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगा। स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड दिस 6-स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू आप फ्रीलांसर बन पाएंगे 2023 में और अर्न कर पाएंगे मिनिमम 50,000 और वो भी पहले महीने से। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई और बिल्ड अ स्किल। देखिए, अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग का मतलब होता क्या है, अपनी सर्विसेज किसी को देना और उसके बदले पैसा लेना। अगर आप अपने घर में एसी की इंस्टॉलेशन करवाते हो या कोई प्लम्बिंग का काम करवाते हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाते हो या किसी भी और चीज का काम करवाते हो, तो जो सामने से पर्सन आपके पास आता है वो उस काम में एक्सपर्ट होता है, तभी वो काम कर पाता है और उसके बदले, अपनी सर्विस के बदले आपसे वो पैसे लेता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट। इसका मतलब उनके पास कोई स्किल है। अगर वो इलेक्ट्रीशियन है तो उनके पास स्किल है इलेक्ट्रिसिटी को समझने का, वायरिंग को समझने का, इंस्टॉलेशन का, और वो स्किल के बेस पे आपसे पैसा लेते हैं और जितना टाइम वो अपने स्किल में लगाते हैं वो उतने शार्प होते हैं। सपोज कोई एसी इंस्टॉलेशन अगर करता है और वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन अगर कर रहा है तो उसको हो सकता है 2-3 घंटे लगे, लेकिन अगर कोई 50 एसी इंस्टॉल कर चुका है तो वो काम वो सिर्फ आधे घंटे में कर पाएगा। तो जैसे जैसे आप करते हैं आगे बढ़ते हैं और अपना स्किल और शार्प करते जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात क्या हुई, स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप एज अ फ्रीलांसर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक स्किल डेवलप करने का एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक इन डिमांड स्किल को, हुनर को पाने का। जैसे आप राइटिंग के अंदर अच्छे हो या ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे हो या प्रोग्रामिंग में अच्छे हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अच्छे हो, किसी भी चीज में अच्छे हो, उसके बेस पे आप फ्रीलांसिंग करके अर्न कर सकते हो। जैसे मैं एक्सेल के अंदर अच्छा हूं और पिछले कई सालों से, 12 सालों से ज्यादा मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, अपनी सर्विसेज देता हूं और उसके बदले मैं चार्ज करता हूं क्लाइंट से, और धीरे धीरे करके मैं बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़ने लगा और उसकी अर्निंग भी बहुत हाई लेवल की होने लगी। इनफैक्ट अगर आपको ये समझना है कि आप कैसे फ्रीलांसर बन सकते हो एक्सेल के थ्रू, चाहे आपको एक्सेल की नॉलेज है या नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा, और साथ ही में मैं अपना एक बोनस भी आपको दूंगा वर्थ ₹1500 जो कि एक्सेल की एक फ्रीलांसिंग बुक है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट सबसे पहली बात क्या हुई, आपको एक स्किल पे ध्यान देना, एक स्किल को बिल्ड करना है। अब सपोज करते हैं अगर आपके पास स्किल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, अब बात आती है कि जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो क्लाइंट सबसे पहले समझना चाहता है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज है या नहीं है, और सबसे आसान तरीका है क्लाइंट को यह बताने का कि आपके पास नॉलेज है या नहीं है, अपने सैंपल प्रोजेक्ट दिखाने का। अब अगर आप एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं तो आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट किए होंगे जो आप एज अ सैंपल उनको दिखा सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया और पहली बार फ्रीलांसिंग के अंदर आ रहे हैं तो आप खुद अपने कुछ सैंपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, अपने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और उसका एक पोर्टफोलियो बनाकर जब भी किसी भी नए क्लाइंट से बात हो तो उनको आप शो कर सकते हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिल्ड पोर्टफोलियो ऑफ योर वर्क। तो अभी तक हमने समझा कि पहले स्किल होना जरूरी है, दूसरा आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो होना जरूरी है। यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस है आप तक ऐसी नॉलेज देना जिसके थ्रू आप अपनी सेकेंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सके। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की या थर्ड स्टेप की, वो है बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस या ब्रांड। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। अगर आप ये सोचे कि आप सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड ना क्रिएट करें और उसके अलावा ही काम करें, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें और ब्रांड बनाकर काम करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप आज से ही नई नई टिप्स या ट्रिक्स या कंटेंट सोशल मीडिया पे डालने लगे अपने स्किल से रिलेटेड, तो लोग आपको धीरे धीरे पहचानना स्टार्ट होंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपके मिलियन फॉलोअर हैं तब जाके ही बात बनेगी। जो लोग काम करते हैं अगर उनके 100 फॉलोअर भी होते हैं वो भी काफी होते हैं, उनमें से ही उनको काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले आप ये मत सोचिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल्स ऐसे होते हैं
जो जिसको देख के आपको लगता है यार मिलियन फॉलोअर तो कम से कम होने चाहिए, ऐसा नहीं होता। एजुकेशन के काम में अगर आपके 1000 फॉलोअर भी हैं, 100 फॉलोअर भी हैं, तो भी आपको काम रेगुलरली मिलता रहता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। और ब्रांड बनाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आजकल आप लोग शार्क टैंक इंडिया भी देख रहे होंगे जिसका सीजन 2 आया है, आपने देखा है मोस्टली जितने भी शार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया है उन्होंने, क्योंकि उसकी वजह से उनकी कंपनी की सेल भी बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे अमन गुप्ता है बोर्ड के फाउंडर, वो हर जगह जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है सोशल मीडिया पे भी एंड ऑफलाइन पे भी, जिससे उनका जो कंपनी का ब्रांड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले उनको बोट के नाम से जाना जाता था, अब बोट जाना जाता है अमन गुप्ता के नाम से। इनफैक्ट आप दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पीपल हैं आज के टाइम पे उनको भी देखोगे तो वो भी ब्रांड क्रिएशन में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं ताकि दुनिया को पता चले उनके बारे में और उनका एक सॉलिड ब्रांड बने। तो थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप, कि अपना ब्रांड बनाना आज से ही स्टार्ट करो, कैमरे को फेस करना आज से ही स्टार्ट करो। फोर्थ स्टेप है नेटवर्क विद अदर प्रोफेशनल। सपोज आप एक्सेल के अंदर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो ट्राई करिए उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट हैं या टॉप लेवल फ्रीलांसर हैं उनके साथ कनेक्शन बनाने का, इट विल हेल्प यू गेट अ लॉट ऑफ वर्क। ये एक्चुअल में होता है। अब आप नेटवर्किंग कहां पे करोगे, ट्राई करो जो बाकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं वहां पर भी ट्राई कर सकते हो, वहां पर कम्युनिकेशन एक्चुअल में आप नहीं कर पाते, एक बाउंडेशन होती है, बट बेस्ट वे टू गेट इन टच विद देम इज थ्रू सोशल मीडिया। और उसके अंदर भी सबसे बेटर वे है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप इजीली कनेक्शन बना पाते हो और काम की बात उनके साथ कर पाते हो। यहां तक वीडियो समझ में आ रहा है आपको, नॉलेज मिल रही है, एक पाथ क्लियर हो रहा है कि कैसे कैसे आप अर्न कर पाओगे सेकेंड सैलरी। तो मेरे वीडियोज का पर्पज एग्जैक्टली यही है, आप तक ऐसी नॉलेज पहुंचाना जिससे आपको करियर में ग्रोथ हो या आप सेकंड सैलरी जनरेट कर पाए। एंड फॉर द सेक ऑफ दैट, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है और साथ में बेल आइकन है, प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है देन थैंक यू सो वेरी मच दिल से इस चीज के लिए। स्टेप नंबर 5th, सेट योर रेट्स एंड टर्म्स। एज अ फ्रीलांसर अपने रेट को सेट करना और टर्म्स को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ टिप्स मैं अपने 12 साल के करियर के बेस पे आपको दे सकता हूं। पहली टिप है हमेशा परचेज ऑर्डर के लिए बोलो अपने क्लाइंट को और ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही कम्युनिकेशन करो, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो एडवांस पेमेंट के बिना काम मत करो क्योंकि इसके अंदर स्कैम्स बहुत ज्यादा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑलवेज आस्क फॉर मोर टाइम एंड डिलीवर इन लेस टाइम, ताकि आपका कस्टमर डिलाइटफुल फील करे, क्योंकि जितना टाइम आप मांगते हो और उससे कम में आप दोगे तो क्लाइंट खुश होगा। अगर आप अपना ही एग्जाम्पल लें, अगर आप किसी को बोलते हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर आप काम कर दो, जनरली इंडिया में हमेशा वो काम लेट ही होता है, लेकिन अगर आप टाइम से पहले करेंगे तो एक्चुअल में कस्टमर बहुत डिलाइटफुल फील करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास बार बार आएगा काम के लिए एंड आपका वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत अच्छा स्प्रेड होगा मार्केट के अंदर। नाउ पॉइंट नंबर 6, कीप गुड रिकॉर्ड्स। इसका मतलब है कि रिव्यूज लो कस्टमर के, जब भी आपने काम करके दिया कस्टमर को तो उससे फीडबैक लो। हो सकता है शुरू में कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आपके पास आए, घबराना नहीं है, उन नेगेटिव पॉइंट से आपको अपने आप को बेटर करना है और अच्छे फीडबैक को अपने प्रोफाइल में एम्बेड करना है, सोशल मीडिया पे दिखाना है, शाउट आउट करना है, चिल्लाना है उसके बारे में कि लिटरली आपको अच्छा फीडबैक मिला है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और मिलना भी चाहिए क्योंकि आपने काम बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। तो ये 6 पॉइंट्स थे जिसके बेस पे आप 2023 में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर, एंड मिनिमम आई कैन गारंटी यू कि आप अर्न कर सकते हो 50,000 रुपीज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ योर फ्रीलांसिंग।